सोलन के चिल्ड्रन पार्क में बना म्यूजिकल फाउंटेन नगर निगम सोलन के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सन 2000 में इस म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण किया गया था, जिसमें नियमों को दरकिनार करते हुए अधिक बोली देने वाले को ना जाने क्यों यह टेंडर अलॉट किया गया था। लेकिन महंगा टेंडर देने के बावजूद भी यह म्यूजिकल फाउंटेन आज तक नहीं चल पाया है। शुरुआती तौर पर नगर परिषद सोलन ने इसे रिपेयर करवाने के लिए कंपनी पर दबाव भी बनाया था, लेकिन कंपनी ने इसे रिपेयर करने से मना कर दिया। यही वजह है कि लाखों रुपए नगर परिषद सोलन ने यूं ही नष्ट कर दिए। नगर निगम मेयर ने अब इस म्यूजिकल फाउंटेन को प्रदेश सरकार से डिसमेंटल करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा है, ताकि स्थान को जल्द अन्य उपयोग में लाया जा सके। अब इस बार नगर निगम सोलन से लोगों को काफी उम्मीद है कि भारत की स्थिति सुधरेगी। मैं समझता हूं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग का सबसे इससे बड़ा उदाहरण सोलन में देखने को नहीं मिलेगा। और सन 2000 में जब ये म्यूजिकल फाउंटेन लगा था, मुझे लगता नहीं कि ये एक दो महीने भी चल पाया। और लाखों रुपए सरकार के, आम जनता की, जो टैक्स पेयर की खून पसीने की कमाई इसमें व्यय की गई, उसके बाद ये बंद पड़ा है। अब सबसे बड़ी जो बात है वो कि म्यूजिकल फाउंटेन इतने सालों से चल नहीं रहा, लेकिन वो जगह भी इन ब्लॉक होगी, बंद हो चुकी जगह। मैं समझता हूँ कि नंबर एक तो उसकी जांच की जाए कि वो म्यूजिकल फाउंटेन कितने का लगा था, वो क्यों नहीं चला, क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूँ जो पुराना टूटा फूटा वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन है, नगर निगम को चाहिए या सरकार को चाहिए कि या तो उसको रिपेयर करके उसको कंटिन्यू बनाए, उसको चलाएं, या फिर उसको वहाँ से रिमूव करके आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, या तो वहाँ पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, बच्चों के खेलने का स्थान बनाया जाए। नहीं, ये स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का एक नमूना मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया, जितने पैसे उसमें दर्शाए गए उतने का वो पैसे लगे नहीं। और उसके बाद जो भी कंपनी ये फाउंटेन पार्क पार्कों में फाउंटेन लगाती है, फुहारे लगाती है, मेरे ख्याल लगता है कि वो एक गारंटी देती है कि हम 5 साल तक इसकी मेंटेनेंस करेंगे। मुझे लगता नहीं कि उस कंपनी ने उसको लगाने के बाद, पैसे लेने के बाद उसकी तरफ देखा भी है, और ना ही किसी सरकार ने या किसी नगर परिषद ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा कि क्यों नहीं चल रहा और क्यों खराब है और क्यों जगह वो जो है आज की डेट में करोड़ों रुपए की जगह शहरों में है नहीं, करोड़ों रुपए की जगह वो क्यों जगह जो है ब्लॉक हो रखी है, क्यों नहीं इस जगह को आम जन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।